आप शादी से खुश हैं? ये हुई ना बात भाई। यार लेट पहुंचे, खाना वाना यहाँ खाए नहीं, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर आएंगे खाना वाना खाएंगे। ये देखो, चलो चलते हैं, कुछ दूल्हे से सवाल जवाब करते हैं आगे शामियाने में चलते हैं, उससे पहले देखते हैं यहाँ पर खाना कौन खा रहा है, कहाँ पर खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, आप क्या हाल है, खाना वाना खा लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई, इन्होंने तो खा लिया। हाँ भाई मुस्टंडे, इधर इधर इधर, खाना खाया? नहीं। जो तीन बार तो तू खा चुका है पहले भाई, ये देखे, ये इनका अपना प्रोटोकॉल होता है मौलवी साहब का, ये कहते हैं जहाँ पर हम बैठे वहीं पर खाना लेकर आओ। ये हुई ना बात भाई, कम पड़ गई थी यहाँ आगे। अच्छा भाई मैं यहाँ वेल्डिंग की दुकान में हूँ, यहाँ पर खाना खा रहे हैं चुपके। चलकर अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोग्राम है इनका, पीछे तो प्रोग्राम दिख ही रहा होगा आपको। अच्छा भी यहाँ बाहर मौजूद हूँ, अंदर चलकर देखते हैं दूल्हे साहब कहाँ पर हैं। अंदर जो शोर शराबा हो रहा है मुझे लगता है आवाम बहुत सारी है, चल के देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। यार दूल्हा भाग गया भाई, दूल्हा दिख ही नहीं रहा कहीं, पूरा शामियाना खाली पड़ा हुआ। यार कहाँ गया दूल्हा, कहाँ गया दूल्हा, कहाँ है पता नहीं भाई। दूल्हे को आखिरी मौका दिया था भाई, भागना है तो भाग जाओ, शादी करनी है तो कर लो, वो भाग गया, अभी नजर नहीं आ रहा हमें कहीं। अभी सर्च जारी है, लोगों से काफी पूछा, आगे चलकर देखते हैं कहीं मिल गया तो आपको भी दिखाएंगे। यार लेट पहुंचे, खाना वाना यहाँ खाए नहीं, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर आएंगे खाना वाना खाएंगे। ये देखो किटिंग इसीलिए करके आए थे, यहाँ खाना मिलेगा। यार पुराने कपड़े पहन के आओ तो कुछ खाने को नहीं देते, लेकिन सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो सलामी लेने वाला आएगा, कहेगा पैसे दो भाई, हमने खाना वाना नहीं खाया भी, आप देख रहे हो। देखो शामियाना सारा खाली हो चुका है, कुछ भी कुर्सियां वर्सियां सब समेट लिया, दूल्हा भाग गया है और कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले हम लोग। क्यों देंगे पैसे? नहीं देंगे। अच्छा कुछ लोग खाना खा के जा रहे थे, इसने जाके रास्ते में पकड़ लिया, उनसे सलामी ले ली है। हाँ भाई नहीं देती अंदर क्या? नहीं, खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया, सलामी लेने आ गए। हाँ, तो यार ये तो गलत बात है। ओ भाई मैंने भी नहीं खाया, नहीं देंगे, हमने खाना नहीं खाया भाई, हम लेट पहुंचे यहाँ, हमने खाना नहीं खाया और सलामी वलामी का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। अल्लाह आखरत में जज देगा। क्या आखरत में लूंगा यार। शादीशुदा है? खुश है? बिल्कुल। और करना चाह रहे हैं? नहीं, एक काफी है। एक ही काफी। और आप? अभी नहीं हुई। करना चाहते हो? जी सर। यार क्या बात है यार, अभी भी चांस है आपके पास, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपको तो पता है यार, कहीं मौका मिलता है तो एक यूट्यूबर वहाँ जाके वीडियो जरूर बनाता है, लेकिन जो आवाम है वो यूट्यूबर से एक सवाल करती है। आप सोचिए वो कौन सा सवाल करती है, क्या पूछ रहे थे आप मुझसे? कुछ पैसे वैसे आए नहीं आए? सबसे पहला सवाल इनका यही होता है यार, यूट्यूबर जितने भी है ना उनके साथ भी यही होता होगा। तो भाई पैसे के लिए नहीं, ये शौक के लिए काम करते हैं हम, नहीं हो अर्निंग होती है इसमें भाई। सारी आवाम दूल्हे को ढूंढ रही है, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। मेरे ख्याल से दूल्हे को बाहर ले आए वो लोग। अच्छा दूल्हा खुश नजर आ रहा है। आप शादीशुदा हैं? कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा यहाँ दूल्हे की बैंड बज रही है। ओह आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये भी मजलूम में शामिल हो रहा है। चलो चलते हैं, कुछ दूल्हे से सवाल जवाब करते हैं शादी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम, आइए भी दूल्हे से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं दूल्हे साहब, खैरियत से? अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी, आपने बहुत अच्छा एक काम किया, एक सुन्नत को जिंदा किया आपने, आप सलाम की। क्या आप अपनी शादी से खुश हैं? इंशाल्लाह। नहीं आप शादी से खुश हैं? अच्छा इंशाल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह ने चाहा तो, इसका मतलब आप खुश नहीं है भाई? इन्होंने पहले कहा इंशाल्लाह, आपको कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, लेकिन आपने कहा इंशाल्लाह मैं खुश हूँ। तो घबराइए नहीं, अभी तो शुरुआत है। तो ये दूल्हे के यार दोस्त हैं, काफी देर ही अंदर थे, लड़की की तरह मेकअप करवाया गया आपका, काफी देर से 3 घंटे आपको लगे मेकअप कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं फिर अच्छा ठीक है भाई, माशाल्लाह भाई की शादी हुई, हमारे दोस्त हैं, नाम इनका है मुबशिर साहब, मुबशिर का मतलब होता है खुशखबरी। इन्होंने शादी की खुशखबरी दी अपने दोस्तों को, खुश है या नहीं? लेकिन इनकी सूरत से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बहुत खुश है। ठीक है जी, शुक्रिया। भाई बाराती जमा हो रहे हैं, काफी देर से रुके हुए थे, बाइकें यहाँ रुकी हुई हैं, सब थक चुके थे।